होता नहीं है, हार्डली दो तीन चार, मैक्स टू मैक्स पांच छह लाख, यू नो, दिल इतना टूटा मेरा। मैंने वो म्यूजिक डायरेक्टर को कहा, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में, मैंने दिल से आत्मा से ऐसा उसको बद्दुआ दिया, सॉरी टू से। क्या आप सोच सकते हैं कि सचमुच मुझे ये गाना मिल गया वैसे अल्तमस का, सिर्फ मैंने कहा साजिद भाई को, शाइना को, बंसल साहब को कि ये म्यूजिक डायरेक्टर जो इसका, उसका मैंने पहले हिट सॉन्ग दिया था, ये म्यूजिक डायरेक्टर मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। कुड यू बिलीव कि मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मुझे, हमें बुलाया गया, साजिद भाई, हमारे एक्शन डायरेक्टर शाइना, बंसल साहब, हमको सब बुलाए, बोलता है कि आपके मनपसंद का एक सॉन्ग हमें मिला है, पांच सॉन्ग है, आप सिलेक्ट करो। Am I right? आधा? So एक सुनाया, I said, wow, this is amazing song. दूसरा सुनाया, oh wow, what a lovely romantic song. Third ये song था, तू मेरे दिल में रहने के लायक थी। I said, यही चाहिए मुझे, मुझे यही चाहिए। बाद में पता चला ये तो मेरी दिल की स्टोरी थी, बाद में पता चला कि हमारे जो सिंगर है उसकी दिल की स्टोरी थी। So ऐसे हमें ये song मिला। And trust me के लोग कहते हैं कि पहले सैड सॉन्ग क्यों, मैंने कहा पहले सैड सॉन्ग क्यों नहीं, हर कोई पहले नया नया प्यार भरा कपल होता है तो रोमांटिक सॉन्ग करते हैं, बादलों में यहाँ, गार्डन में यहाँ, वहाँ वहाँ, हमारी शुरुआती दिल तोड़ने से हुई, इट्स अ स्टोरी। तो पहले से ही हमने जनता को इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग दे दिया है, जनता दिस इज जस्ट अ सॉन्ग, ये हमारी रियल स्टोरी नहीं है। इन रियल वी लव ईच अदर लाइक मैड, बट ये सॉन्ग है, देखिए रियल लाइफ अलग होती है, रियल लाइफ अलग होती है, तो दिस इज अ रियल सॉन्ग, रियल सॉन्ग। सो ऐसा हमें ये सॉन्ग मिला, एंड फिर आदिल को भी बहुत पसंद आया, आदिल ने बहुत अच्छे पूरे एक्टिंग क्लासेस, फर्स्ट टाइम इज अ बिजनेस मैन, फिर उन्होंने इतने अच्छे एक्टिंग क्लासेस लिए, 7 to 8 days में एक्टिंग क्लास के बाद, फिर अक्षय जो हमारे डायरेक्टर है वो आए, सब लोग बैठे, उन्होंने स्टोरी बताया, सो उसी हिसाब से आदिल ने अपना प्रिपेयर किया। अब मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अब मैं आदिल को माइक दे रही हूँ। ऑल द बेस्ट आदिल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी, दिस इज माय फर्स्ट सॉन्ग। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा शुक्रिया राखी का फॉर कमिंग इन माय लाइफ, इसके वजह से ही आज जो गाना मुझे मिला है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हर। क्या हुआ था, हम लोग ए बी मंसल कंपनी में गए थे, राखी को वो लोग कास्ट करना चाहते थे एक सॉन्ग के लिए, तो बेसिकली इन्होंने पूछा आपकी लव स्टोरी क्या है बताओ आपकी और राखी की, हम लोगों ने बताया, तो इन लोगों ने इनका माइंड चेंज किया और बोला हम चलो हम एक लव सॉन्ग करें। मैंने बोला ठीक है, मैं बोला आई वॉज ऑलवेज नर्वस, आई डोंट नो एक्टिंग।